नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत और इंग्लैंड के बीच चार मैचों के टेस्ट सीरीज का आगाज 5 फरवरी से होने वाला है। सीरीज के पहले दो मैच चेन्नई में खेले जाने हैं, जबकि आखिरी के दो टेस्ट मैच अहमदाबाद में होंगे। इस सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच डे नाइट होने वाला है। आपको पता होगा कि भारत में खेला जाने वाला ये दूसरा डे नाइट टेस्ट मैच होगा। इससे पहले भारत ने एकमात्र डे नाइट टेस्ट मैच कोलकाता के इडन गार्डन्स में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। इस सीरीज को लेकर अब तमाम तरीके की प्रोडिक्शंस और भविष्यवाणियां शुरू हो चुकी हैं। जी हां, टीम इंडिया के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर ने भी सीरीज को लेकर अपनी प्रोडिक्शन बता दी है। गंभीर का मानना है कि टीम इंडिया इस सीरीज में 4-0 से क्लीन स्वीप नहीं कर पाएगी, लेकिन सीरीज का रिजल्ट भारत के पक्ष में 3-0 या 3-1 रह सकता है। वो कौन सा मैच हो सकता है जो टीम इंडिया इंग्लैंड से हार सकती है, इस पर गंभीर का मानना है कि डे नाइट टेस्ट मैच में इंग्लैंड भारत पर भारी पड़ सकता है। गंभीर ने कहा, इस टेस्ट सीरीज के लिए मेरा प्रेडिक्शन है भारत 3-0 या 3-1 से सीरीज जीतेगा। मुझे लगता है सभी टेस्ट मैचों में रिजल्ट आएगा जब तक कि बारिश से खलल नहीं पड़ता। सीरीज का पहला टेस्ट मैच 5 फरवरी से चेन्नई में, दूसरा टेस्ट मैच 13 फरवरी से चेन्नई में, तीसरा टेस्ट मैच 24 फरवरी से अहमदाबाद में, जबकि आखिरी टेस्ट मैच 4 मार्च से अहमदाबाद में ही खेला जाना है। सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच डे नाइट होगा। इंग्लैंड ने हाल ही में श्रीलंका को उसी की धरती पर टेस्ट सीरीज में 2-0 से हराया है। वहीं भारत ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर इस सीरीज में खेलने उतरेगा। दोनों टीमों का मनोबल काफी ऊंचा होगा। दोनों ही टीमें अपने विदेशी दौरों को जीतकर इस सीरीज में एक दूसरे के सामने उतर रही हैं। आपको बता दें, इससे पहले गौतम गंभीर ने पहले टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग 11 का भी चुनाव किया था। इस टेस्ट सीरीज के लिए रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ी चोटिल होने की वजह से उपलब्ध नहीं है। ऐसे हालात में उन्होंने जो टीम चुनी है वो काफी संतुलित नजर आती है। चलिए नजर डालते हैं गौतम गंभीर ने जो प्लेइंग 11 चुनी है उनमें किन किन खिलाड़ियों को जगह दी है। ओपनिंग के लिए रोहित शर्मा, शुभमन गिल, इसके बाद नंबर 3 पर चेतेश्वर पुजारा, नंबर 4 पर कप्तान विराट कोहली, नंबर 5 पर अजिंक्य रहाणे, इसके बाद विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, आर अश्विन, कुलदीप यादव के जिम्मे होगा स्पिन की जिम्मेदारी, वहीं जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को तेज गेंदबाजी आक्रमण की जिम्मेदारी सौंपी है। अब सीरीज का नतीजा क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है पूरी सीरीज के दौरान मजा बहुत आने वाला है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।